गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई नेम इज़ इंदु, आई एम योर साइंस टीचर. टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉर सिक्स क्लास चैप्टर साइंस. फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. चैप्टर का नेम क्या है कि जो फूड है वो आपको कहाँ से मिलता है. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे किसके बारे में, फूड के बारे में, कि फूड क्या होता है, व्हाट इज़ फूड, फूड होता क्या है, फूड की वेराइटीज़ कितनी है, और फूड आपको किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, और जो एनिमल्स होते हैं वो किस किस प्रकार का वो क्या करते हैं, फूड खाते हैं, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में. इस वीडियो में हम ओनली डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ओनली फूड की डेफिनेशन और फंक्शन ऑफ फूड्स के बारे में, फूड की डेफिनेशन और फंक्शन ऑफ फूड्स के बारे में. लेकिन वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वैरायटीज़ ऑफ फूड के बारे में, कि जो फूड है उसकी कितनी वैरायटीज़ होती है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो किसके साथ, फूड की डेफिनेशन के साथ. देखो फूड की डेफिनेशन देखो क्या होती है. एनी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस विच वी कैन ईट और ड्रिंक इज कॉल्ड फूड. एनी मतलब कोई भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस जिसको हम ईट कर सकते हैं, जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं. ईट का मतलब क्या होता है, खाना. कोई भी ऐसा न्यूट्रिशियस सब्सटेंस जिसको हम ईट कर सकते हैं और ड्रिंक कर सकते हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं. क्या बोलेंगे उसे, हम फूड बोलेंगे. ये क्या है, आपकी फूड की डेफिनेशन है. अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फंक्शन ऑफ फूड के बारे में, कि जो फूड है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं. देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी. मतलब जो फूड होता है वो आपको क्या देता है, एनर्जी. वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है. अब देखो किसी भी काम को करने के लिए आपको किसकी नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है. अगर आपको खेलना है, अगर आपको स्टडी करना है, अगर आपको सोना है, अगर आपको पढ़ना है, इन सभी काम को करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है. और ये एनर्जी आपको प्रोवाइड कौन करता है, फूड. अगर हम फूड नहीं लेते, अगर हम खाना नहीं खाते, तो हमारी बॉडी में एनर्जी क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, और हम किसी भी काम को कर नहीं सकते. तो किसी भी काम को करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपको कौन देता है, फूड देता है. ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फंक्शन ऑफ फूड के बारे, सॉरी फंक्शन ऑफ फूड की सेकेंड लाइन के बारे में. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ बॉडी. मतलब जो फूड होता है वो हेल्प करता है किसमें, ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ बॉडी. मतलब आपकी बॉडी की ग्रोथ करने में, आपकी बॉडी की डिवेलपमेंट करने में फूड क्या करता है, हेल्प करता है. थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इट रिपेयर्स द डैमेज पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. मतलब जो फूड होता है वो आपके डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में आपकी क्या करता है, मदद करता है. फोर्थ पॉइंट में देखो क्या है, फूड कीप अस हेल्थी बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन. मतलब जो फूड होता है वो आपको क्या रखता है, हेल्दी रखता है, ये आपको स्वस्थ रखता है, और आपको इससे क्या प्राप्त होता है, न्यूट्रिशन. मतलब जब हम खाना खाते हैं तो खाने में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, और जो खाने के न्यूट्रिशन होते हैं वो आपकी बॉडी को क्या रखते हैं, हेल्थी रखते हैं. मतलब आपकी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं, स्वस्थ रखने में आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं. अब देखो न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, जो आपकी बॉडी को क्या करते हैं, हेल्थी रखने में मदद करते हैं. इस वीडियो में हम ओनली डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फूड की डेफिनेशन और फंक्शन ऑफ फूड के बारे में. लेकिन जो आपका वीडियो का सेकेंड पार्ट होगा, हम उसमें डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वेराइटी ऑफ फूड के बारे में, कि फूड कितनी, मतलब फूड की कितने प्रकार की क्या होती है, वेराइटी होती है, फूड कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू.